यमुनानगर के शिशरौली में उड़न दस्ते ने एक ऐसे डॉक्टर को पकड़ा जिसके पास ना तो कोई डिग्री थी और ना ही कोई ज़्यादा अनुभव था, लेकिन डॉक्टर एक अस्पताल को चला रहा था और अस्पताल के अंदर ही इस फर्जी डॉक्टर ने कई लोगों का ऑपरेशन भी कर दिया, जबकि अस्पताल के अंदर ही एक लैब और एक मेडिकल स्टोर चलाया जा रहा था। BAMS में अवेटिंग है मामला, हरियाणा हाई कोर्ट की जो रूलिंग है उसके अंतर्गत आयुर्वेदिक डॉक्टर BAMS डॉक्टर अभी एलोपैथिक मेडिसिन के लिए अलाउड है। जो मेडिसिन मैं लिख कर गया हूँ वही मेडिसिन वो दे रहा है, वो अपने पास से मेडिसिन अपने नेम से नहीं देगा। हाँ जी सर, मेरे पास जो नॉलेज है मैं अपनी नॉलेज और अपने डिग्री के अनुसार, हाँ अपनी डिग्री और अपनी नॉलेज के अनुसार पूरा काम कर रहा हूँ। जो नहीं ऑपरेशन नहीं कर सकते, ऑपरेशन वाले केसेज में रेफर करता हूँ। सर एक ही यूनिट चला रहा हूँ, एक ये है दूसरी का है। दूसरी पहले थी वो सर वहाँ काम ना होने के कारण, वहाँ से शहरी एरिया में काम ना होने के कारण फिर मैं इधर शिफ्ट होने की। बिल्डिंग किसके नाम है जी? बिल्डिंग क्या नाम है मालिक का जी? मुकेश कुमार जी नाम है। किराए पे किसने लिया? किराए पे गुरुदेव सिंह के नाम से है, किराए पर रेंट पे। तो फिर आप यहाँ पे किस लिए पहुंचे? मैं अपॉइंटेड डॉक्टर हूँ सर, डॉक्टर की वर्किंग करेगा ना, बिल्डिंग तो कोई भी बना सकता है। जैसे अपोलो हॉस्पिटल है तो जो अपोलो हॉस्पिटल के जो मालिक है वो तो डॉक्टर शायद नहीं होंगे। गुरुदेव जी की क्या क्वालिफिकेशन है? कैलकुलेशन क्या चीज़ सर? क्वालिफिकेशन क्या? क्वालिफिकेशन तो प्लस टू ग्रेजुएट है, बी है, सिंपल बी है। फिलहाल पुलिस ने फर्जी डॉक्टर और उसके सहायक को हिरासत में लेकर उसे पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि टीम ने अस्पताल का पूरा रिकॉर्ड कब्जे में लेकर एक लिखित शिकायत भी पुलिस को दे दी है। टीम फ्लाइंग स्क्वाड टीम को सूचना मिली थी वही छछरौली में जो ना एक गौतम हॉस्पिटल है जो डॉक्टर गुरुदेव सिंह द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि RMP डॉक्टर है और जो कि लीगली ऐसा अस्पताल नहीं चला सकता। जो सीएम फ्लाइंग स्टाफ की टीम ने यहाँ से डॉक्टरों की दो डॉक्टरों की टीम को लेकर वहाँ रेड करी तो वहाँ पे जो ना एक्सरे मशीन मिली है, वो अपना ड्रेसिंग रूम मिला है, दवाइयाँ मिली हैं काफ़ी मात्रा में और वहाँ बिना मरीज भी मिले हैं जिनके पास किसी प्रकार की पर्ची नहीं थी, जो डॉक्टर साहब की कंप्लेंट पर जो ना मुकदमा दर्ज कर दिया है और उसमें आगे फर्दर तफ्तीश जारी है। और डॉक्टरों जो डॉक्टर गुरुदेव सिंह है उसको और जो उसके और जो असिस्टेंट थे जो बिना किसी टेक्निकल डिग्री के काम कर रहे थे उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा।